हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्पायर सिविल सर्विसेज। तो प्रीवियस वीडियो हम लोग परसेंटेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। अब इस बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें थोड़ा सा हम लोग बेसिक टू हाई लेवल में बढ़ते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला, 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है? 800 किसके बराबर है? आपके ऑप्शंस हैं 100, 200, 300, 400। ऑप्शंस हैं 100, 200, 300 और 400। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 6 से 1/4% के 1600 प्लस 12 से 1/2% के 800 किसके बराबर है? इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 एक 25/4% है, तो अपान में 100 कर देंगे गुड़े 1600 प्लस 12 दूनी 24 एक 25/2% है, तो 100 गुड़े 800। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हो जाएगा 25/4, इस 100 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, 100/1 है तो ऊपर जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है गुड़े 1600 प्लस यहाँ भी 25/2, ऐसे इसके साथ भी होगा, 100/1 है ऊपर आएगा तो 1/100 गुड़े 800। अब यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे। देखिए 00 से यहाँ 00 कैंसिल हो रहे हैं, इधर भी 00 से 00 कैंसिल हो रहे हैं। अभी ये 2 4 8 कट जाएगा और ये 4 4 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस यहाँ भी 2500। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है आंसर 200। तो 200 यहाँ पे ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने लिया है, दिया है ₹90 का 83/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया, देखिए कितने रुपए के पूछा है, तो इसको मान लेते हैं ₹60% के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, तो 90 का 83 से 1/3%, तो 90 का 83 से 1/3%, इसको करेंगे तो 83 2 49 और 1 250, ठीक है। तो इसको 250/3% हटाएंगे तो 100 लिख लेंगे, बराबर कितने रुपए के 60% बराबर है, तो ₹60% के बराबर है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक ये यहां से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 गुणे 250/3, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो पे सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व किए थे कि जब ये ऊपर जाता है तो 100% हो जाता है, तो ये नीचे इसी से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इक्वल टू x इंटू, यहाँ पे कट हो रहा है 6/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 00 ये कट जाएंगे इससे, ठीक है। ये 3 3 9 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 1 3 2 6 इधर कट जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बचा और ये इधर ऊपर आएगा (x)। तो जो x की वैल्यू आई है निकल के, वो आई है x = 25 × 125। तो इसका 125 रुपए के 60% के बराबर होगा, तो यहाँ पे 125 जो है वो ऑप्शन डी पे हमको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान क्या होगा? तो किसी संख्या का, अब हमको संख्या नहीं पता तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। तो किसी संख्या का 32%, तो x का 32% प्रतिशत में हम अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। x का 32% उसी संख्या के 17% से, उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, उसी संख्या के 17% से 17/100 120 अधिक है, ये बोला है। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो ऐड करके ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 32x/100, ठीक। इसको इधर लाएंगे अगर तो 17x/100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा, ठीक। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपॉन में सेम है, तो 32x - 17x/100 हो जाएगा बराबर 120, ठीक। अब देखिए 32 में 17 कटाएंगे तो 15x
पंद्रह एक्स बटे 100 बराबर 120। अब 15 से कट जाएगा, 15 8 120, ठीक। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जाएगा इसका, इसे मल्टीप्लाई होगा तो 8 गुणे 100, तो जो संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी 800। तो 800 जो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस टाइप से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद थोड़ा हम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर ये है कि 100 के 25% का 1% का 1% कितना होगा। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा गया बस उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 100 के 25% 25/100 का है तो गुणा 1%, 1/100 का है तो फिर गुणा 1/100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो जो कट रहा है उसको कट कर लेंगे पहले। यहां से 1 0 1 0 ये कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर 25 अपान में 1 2 3 4 4 0 4 0, ठीक है 4 0। तो देखिए यहाँ पे 25 अपॉन ये, ठीक है। तो यहाँ 2 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब 2 डिजिट और हमको चाहिए, तो आगे हम 2 0 लगा सकते हैं और इसके पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 0.0025, तो 0.0025 यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा, तो 0.0025, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.0025 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, 4800 के 40% का 25% का मान कितना है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 4800 के 40% का 25% का मान कितना है, ठीक है। देखिए यहां से 1 0 1 0 ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है, एक यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे करें अगर, तो कुछ और कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 5 से 5 25, 5 2 10, 2 से कटेगा, 24 2 48, ठीक है। अब कुछ नहीं है ऊपर नीचे, 24 × 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 4 4 4 4 16, 1 4 2 8 9, 96 5, ठीक है। तो 6 5 30, 3 5 45, 3 48, 480। इसका जो आंसर है वो 480 आ रहा है, तो 480 सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 480। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा इन सबसे अच्छा रहेगा, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे और दूसरी वीडियो पे इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स और लास्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या आती है। संख्या का 40% ज्ञात करो। अब किसी संख्या के 75% में, तो संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोला उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, तो किसी संख्या x के 75% में जब हम क्या जोड़ देते हैं, 75 जोड़ देते हैं, तो उत्तर वही संख्या आती है, ठीक है। तो इस संख्या का 40% ज्ञात करना, पहले ये संख्या निकाल लेंगे, जब संख्या आ जाएगी तो उसका हम 40% भी आसानी से निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 75x/100, ठीक है। अब उत्तर वही संख्या आती है, तो इसको इधर ला लें, x बराबर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो -75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करें इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75x-100x/100। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ अपॉन 1 हो जाएगा, 100 और 1 का एलसीएम 100 आएगा, इसे 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 और 75x, फिर 100 में से 1 का डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब 75 में से अगर आप 100 घटा दें तो -25x आएगा, बटे 100 बराबर -75, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दें, 25 x 25 = 75। तो जो x की वैल्यू आएगी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे, 3 × 100 = 300, वो संख्या है 300, लेकिन हमको उस संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 300 का 40% निकालेंगे तो 300 का 40%, देखिए 0000 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 40 × 120, तो वो संख्या 120 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।